दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मेरे को देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हम देखते हैं, पूरे देश में स्वच्छता मिशन पर काम हो रहा है। हर लोग स्वच्छता मिशन पर 2019 के स्वच्छता सर्वे की तैयारी में लगे हैं, लेकिन इस स्वच्छता मिशन के कामों को सामने करने के मनमाने और मनमौजी तरीके से एनएमसी, महानगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतें काम में जुटी है। ऐसा ही एक मामला हमें देखने को मिला है मोरगा अर्जुनी नगर पंचायत में, जहां एक और नगर पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण बंगड़े खुद को इस स्वच्छता अभियान के तहत खरीदे हुए सामानों की अनभिज्ञ बता रही हैं। और जब हमने इस नगर पंचायत के अध्यक्ष किरण किशोर सहारे से फोन पर संपर्क किया, तो उन्होंने कचरा जमा करने वाली घंटा गाड़ी एवं कचरा कूड़ा इनके बारे में बताने से साफ तौर पर मना कर दिया। मार्केट एरिया एवं आबादी एरिया में इन्होंने कचरा कूड़ा दान लगाया है और साथ ही साथ जन स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन कूड़े दानों में क्षमता से अधिक कूड़ा जमा हो चुका है और लगभग जन स्वास्थ्य की समस्या को इन्होंने स्वयं के हित में जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा के साथ नगर पंचायत खेल रही है। ठीक इसी प्रकार जो इनमें से घंटा गाड़ी खरीदी है, वही भी निम्न स्तर की है, जिसके चलते इस खरीदी पर ही सवालिया निशान उठा रहे हैं। लगभग नगर पंचायत अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी किरण बगड़े ने बड़े पैमान पर भ्रष्टाचार किया है। आइए देखते हैं इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर। इस वक्त की हमारे पास दूसरी बड़ी खबर आ रही है गोंदिया जिले से। सुरक्षा दल का कार्यक्रम 14, 15 और 16 जनवरी को आयोजित किया गया था मोरगा अर्जुनी तहसील में। यहां लगभग जिले के हर स्कूल के बच्चे आए हुए थे, जिन्हें अनहाइजीनिक खाना परोसा गया, जिसके चलते बच्चों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया है। महेश पालीवार इन्होंने जो कि सरस्वती विद्यालय के सुरक्षा दल के कार्यकर्ता है, इन्होंने यह खाने का इंतजाम अपने किसी नजदीकी को दिया था। आप देख रहे हैं किस तरीके से यह खाना बनाया जा रहा है। सब्जी जो कि खराब सब्जियों को काट कर बनाई गई है, आप देख रहे हैं रोटियां किस तरीके से बन रही है। लगभग इस कार्यक्रम के आयोजन में बड़े पैमान पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार चरम पर है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखेंगे। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव।